सभी का स्वागत है मेरे इस नए YouTube चैनल पर जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को शारीरिक शिक्षा के बारे में जानकारी देना चाहता हूं तथा आपकी जानकारी को बढ़ाना चाहता हूं। ये उन सभी छात्रों के लिए है जो किसी न किसी रूप में शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट हो या फिर CPED हो, BPED हो या फिर कोई भी डिग्री हो। आप किसी भी रूप में अगर शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियोज आपको बहुत काम देने वाली हैं। तो इसे ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा और हमारे आने वाले वीडियोस को भी आप देखते रहिएगा और तथा उससे सीखते रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो फिजिकल एजुकेशन है कि फिजिकल एजुकेशन क्या है और इसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल एजुकेशन क्या है। फिजिकल एजुकेशन एजुकेशन की वह शाखा है जिसके बिना एजुकेशन संभव नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। चार्ल्स ए बूचर इन्होंने कहा है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा की एक अहम कड़ी है या अहम शाखा है जिसके बिना शिक्षा असंभव जैसी है, क्योंकि विद्वानों का कहना है कि अ साउंड माइंड प्रेजेंट इन अ साउंड बॉडी, अर्थात एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास एक स्वस्थ शरीर में होता है। जिससे आप समझ सकते हैं कि स्वस्थ शरीर कब होगा, जब आपको शारीरिक शिक्षा के बारे में ज्ञान होगा। आप शारीरिक शिक्षा को पढ़ेंगे, उसे अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका शारीरिक दक्षता हासिल होगी, तब जाके आपका मस्तिष्क भी कुशल होगा तथा एकाग्रचित होगा। तो किसी ने सही कहा है कि साउंड माइंड प्रेजेंट इन अ साउंड बॉडी, इसका मतलब है कि पहले आप अपने शरीर को सही करिए, उसके बाद आपका मस्तिष्क सही होगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं या फिर आप लोग आजकल देख भी रहे हो कि हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी खेल को और योग को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। बीते कुछ सालों में आपने देखा होगा जो स्केल है स्पोर्ट्स का वो बहुत ही बढ़ा है। क्यों? क्योंकि सरकार भी चाहती है और जानती है कि शारीरिक शिक्षा के बिना शिक्षा अधूरी है, तो उन्होंने स्कूलों में तथा कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा तथा योग को कंपलसरी करने का ऐलान किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि शारीरिक शिक्षा एक बहुत ही अहम कड़ी है शिक्षा के लिए। तो शारीरिक शिक्षा बिना शिक्षा अधूरी और शिक्षा बिना सब कुछ अधूरा। तो आइए देखते हैं कि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले यहां पे आता है साइकोलॉजी। उसके बाद हम पढ़ते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसके बाद आता है किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन। उसके बाद आता है हिस्ट्री एंड रिसर्च। उसके बाद आता है ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये कुछ ब्रांचेस या फिर नेटवर्क्स हैं जो कंप्लीट करते हैं फिजिकल एजुकेशन। सबसे पहले आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि एक खिलाड़ी जो है, जो एक बच्चा है, उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उसकी अगर इच्छा नहीं है खेलने की तो क्यों नहीं है, और अगर उसकी साइकोलॉजी को अगर हम समझ सकते हैं तो हम उसके प्रदर्शन में बढ़ोतरी करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम साइकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जितनी भी आंतरिक क्रियाएं हैं जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये जितने भी तंत्र हैं ये सारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं।
उसके बाद आता है किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि हाउ टू बॉडी मूव, जो बॉडी है वो कैसे मूव करता है। इसके अंतर्गत हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का अर्थ है कि आहार, आप कैसे आहार लेते हैं, क्या आहार लेते हैं, कौन से ऐसे आहार हैं जो आपको लेने चाहिए या फिर एक हेल्दी पर्सन को लेने चाहिए, क्या चीजें आपको नहीं लेनी चाहिए, ये सब चीजें सिखाता है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। क्योंकि जैसा आहार वैसा विचार, तो अगर आप आहार अच्छा लेंगे तो आपका विचार भी अच्छा होगा। उसके बाद आइए स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन पे। स्पोर्ट्स मेडिसिन और रिहैबिलिटेशन का अर्थ है कि स्पोर्ट्स में, जैसे खेल में आप खेल रहे होते हैं और कई बार आपको चोट लग जाती है, तो उस चोट का जो उपचार किया जाता है उसका हम अध्ययन स्पोर्ट्स मेडिसिन में करते हैं। उसके बाद आपको डॉक्टर बेड रेस्ट के लिए भेजता है कि आप 5 दिन 10 दिन बेड रेस्ट पे रहिए, 1 महीने 2 महीने 6 महीने, अगर आपका ज्यादा इंजरी क्रॉनिकल इंजरी है तो आपको समय भी लग जाता है। तो जब आप पुनः फील्ड पे आते हैं तो आप अपनी पुरानी स्थिति में नहीं होते हैं, यानी अपने आप चरम पे नहीं होते हैं। तो उस चरम सीमा को पाने के लिए, उस पीक पे जाने के लिए जहां पे आप पहले थे, उसके लिए रिहैबिलिटेशन होता है, फिजियोथेरेपी होती है, मसाज होती है, जिनकी मदद से आपको फिर से उसी अवस्था में ले जाया जाता है जहां पे आप पहले थे, ऑन द टॉप। उसके बाद आता है हिस्ट्री एंड रिसर्च। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि खेल इतिहास में क्या क्या घटित हो चुका है, अथवा हम उन चीजों से क्या सीख सकते हैं। उसके बाद रिसर्च आता है, हम खेलों का अनुसंधान करते हैं कि हम कैसे उस चीजों को और डेवलप कर सकते हैं, किस टेक्निक से उसको हम और बेहतर कर सकते हैं, कैसे बच्चे के प्रदर्शन को और बढ़ाया जा सकता है। तो हम एनालिटिकल रिसर्च या फिर बहुत सारे रिसर्च करते हैं जिससे हम प्लेयर्स की प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं और खेल को भी और उत्कृष्ट बना सकते हैं। लास्ट आता है ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत हम प्रौद्योगिकी को पढ़ते हैं, जैसे हो गया कंप्यूटर, मोबाइल और बहुत सारी ऐसी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ी होती हैं, जैसे कि आपका ट्रेडमिल हो गया, वो चीजें हैं जो मैकेनिक्स पे चलती हैं बट आपके लिए लाभदायक होती हैं, आपके कार्य को इजी करती हैं। जैसे आपको किसी की स्किल देखनी है या फिर आपको किसी का गेम देखना है, आपने मोबाइल उठाया और तुरंत सर्च किया और आपके सामने है, तो वो ICT के अंदर आता है। तो यही सब चीजें जो है आपको फिजिकल एजुकेशन के अंदर पढ़नी है, और हम आपको इन सब चीजों के बारे में आगे पढ़ाएंगे, बताएंगे, और आशा करते हैं कुछ नया ही बताएंगे। कुछ चीजें आपको पहले से पता होंगी और कुछ चीजें हम आपको बताएंगे, और फिर ऐसे ही हम आपको बहुत सारी वीडियोस बना के आपको जानकारी देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये मेरी पहली वीडियो है और यही शुरुआत है इस चैनल का। तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को अपना बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दे सकूं। थैंक यू।